নমস্কার বন্ধুরা, আবার এসে গেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আমার এক্সপ্লোরার অনুশ্রীতে আমি অনুশ্রী চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, আমরা সকলে খুব ভালো আছি। আজকে চলে এলাম আপনাদের সাথে একটা নতুন জায়গার পরিচিতি করাতে, যেটা হচ্ছে নাম পঞ্চপাণ্ডবদের তৈরি লাখামণ্ডল। জানি না আমার ভিউয়ার্সদের মধ্যে কতজন এই জায়গাটায় গেছেন, তবে আমার সৌভাগ্য যে আমি এই জায়গাটায় যেতে পেরেছি। আর জায়গাটা এতটাই সুন্দর, আর জায়গাটার পুরো ইতিহাস আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, আর চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, কারণ আপনাদের সাবস্ক্রাইব করা, বেল নোটিফিকেশন বাজানো আমার কাছে খুবই জরুরি। তাই সেটা করে আমার পাশে থাকুন। তো ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন। এটা একটা নতুন জায়গায় এলাম, যে আমাদের ড্রাইভার ভাইয়া আছেন উনি বললেন যে এটা ভালো, এটা আর কি লাখামণ্ডল, মানে পঞ্চ পাণ্ডবেরা এখানে শিব মন্দির বানিয়ে গেছিলেন। তো চলুন তাহলে সেটা দর্শন করি, নতুন জায়গা, জানা ছিল না। যাই হোক, তো পঞ্চ পাণ্ডবদের তৈরি এই লাখামণ্ডলের ইতিহাস আজ আমি না, এখানের একজন পণ্ডিত মশাই বা পুরোহিত মশাই যেটাই বলেন, ওনার মুখ থেকে সমস্ত বিবরণ বা সমস্ত বর্ণনা যেটাই বলেন সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি কিছু বলবো না, উনি আমাদের এই পুরো মন্দিরটার ইতিহাস আর কি বলেছেন, কোথায় কিভাবে কি সৃষ্টি হয়েছে সব কিছু বলেছেন। তো তাহলে চলুন ওনার মুখ থেকেই সব কিছু শোনা যাক। एकमात्र ये शिवलिंग जो है त्रितय का बनाया, लाल रंग का ना, ठीक, द्वापर का है ग्रीन कलर का, जैसे कृष्ण भगवान जी से हरा भरा रहता था ना, उन्होंने उसी तरीके से शिवलिंग की स्थापना की। ठीक, सतयुग का सफेद रंग का माँ चिता सिंह देवी का मंदिर है यहाँ पे 300 मीटर आगे, और कली को ही जिसमें अभी आप जल चढ़ाएंगे ना उसमें एकदम क्लियर अपना फोटो अंदर ही दिखता है शिवलिंग के अंदर। अच्छा, वो है अद्भुत चिंतन महादेव कलियुग के शिवलिंग, कहीं किसी भी शिवलिंग में ऐसा नहीं दिखता जैसा उसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखता है उसके दर्शन की। ये देखो आप, ये है मेन पुराना मंदिर, पीछे वाला देख रहे हैं ना, और ऊपर देखो गोल चक्र जैसा देख रहे हैं डिजाइन वाला। हाँ, तो ये है मेन पुराना जो उसमें जो बनाया गया, क्योंकि लकड़ी का भी बाद में बना, आगे का भी है बाद में बना,
ये पूरा लकड़ी का है? नहीं नहीं नहीं, ये जो लकड़ी का बना है ऊपर ऊपर वाला ये बना बाद में। सबसे पहले क्या है कि जो ऊपर देख रहे हैं गोल चक्र जैसा, कमल के फूल जैसा, और ये मंदिर ये है पुराना। अच्छा, तो ये इसमें क्या है कि कहीं किसी भी मंदिर में जो है गाय माता के जो नीचे पैर तक पूरा बोलते हैं, कहीं किसी मंदिर में डिजाइन में नहीं डले हुई, इस मंदिर में है ये, इस पूरे मंदिर में डिजाइन में डले हुए इस तरीके की, ये पाँव के निशान है पूरे। तो क्या है कि फिर बाद में गाय माता ने ही मंदिर की खोज भी की, नदी पास की गाय आती है ना, तब जाके जी इस मंदिर का पता चला, तब से हम लोग यहाँ पे पुजारी लाए। इसका एक तो मेला लगता है 15 अप्रैल में, और एक यहाँ का महत्व क्या है कि शिवरात्रि की आमोस नहीं होती, उस दिन वरदान मांगने जो संतान नहीं होती ना किसी की, उस दिन जो है महिलाएं आशीर्वाद लेने आती है आमोस की रात रात, क्योंकि उस दिन जो है पूरी चार पैर की पूजा होती है ना, उस दिन जो है अंदर बैठना होता है एक नजर से जोत को देखना सुबह 4 बजे तक, यहाँ तक रात उधर नहीं जाना, बस ওদিকে যাবেন না। हमेशा मंदिर के द्वारों पर जो डायरेक्शन होता है वो पूर्व दिशा को ही होता है, ठीक। एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसका द्वार पश्चिम दिशा को है, पश्चिम। अच्छा, उल्टा हो गया ना। तो ये क्या है कि जो युधिष्ठिर महाराज थे पांडवों के बड़े भाई, उनके द्वारा स्थापना की गई धर्मराज की, ठीक, ये उनके द्वारपाल हो गए। अच्छा, ये दोनों जय और विजय यानी देव रूप और दानव रूप, उनका देखो आप खोपड़ी निशान बनाओ माता के, देख रहे हैं, और मुकुट भी वैसे ही जैसे दानव का नहीं होता, और माला भी वैसे माला भी वैसे ही है, ठीक। और यहाँ पे देखो इनका माला भी ये देव रूप की है, और मुकुट पे जो है वो हीरे मोती इससे जैसा बनाओ मुकुट, ठीक। और ऑरेंज जेन में क्या किया कि जो दानव खुद ही दानव था ना उसको ज्यादा नहीं बिगाड़ा, देखो ना, और जो देव रूप में था उसके देखो हाथ बिगाड़ दिया और पाँव बिगाड़ दिया, इतना दुष्ट था मतलब ना, ठीक। तो यहाँ क्या पृथ्वी मतलब प्रथा पहले कि मंडलेश्वर महादेव जो आदमी एक बार मर जाता था उसको इस द्वार पे यहाँ लाने पे दोबारा उनके अंदर प्राण आते थे, तो प्राण इसलिए आते थे, प्राण इसलिए आते थे कि पहले क्या होता था कि हर आदमी बैकुंठ को ही जाते थे, ठीक। तो जैसे कभी किसी के मुंह से जो भगवान का नाम नहीं आया तो उनको जैसे गंगा जल छिटा लगाया पल भर प्राण डाले फिर भगवान का नाम उच्चारण करके जो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती थी, क्योंकि बिना नाम लिए तो मोक्ष नहीं मिल सकता ना, तो वो पड़ता थी जब जमाना सत्य का था लाने की पड़ता, आज भी है क्षेत्र में जो गुजरते हैं ना द्वार लाने, क्योंकि सूर्यपुत्र की हमने बहरी ना आगे उनकी बहन वहाँ दाह संस्कार कर, तो ये वाला मंदिर का ही जो है ये यहाँ की पड़ता है, ठीक। जो सुरंग जो मतलब जिससे जो पांडव लोग अंदर गए ना वो सेंटर ये है, ये पहले खुला था बाद में इसको बंद किया, यहाँ से सीधे नीचे रोड पे खुला है, गए आप लोग अंदर रोड पे, आपने ध्यान नहीं दिया लिखा प्राचीन गुफा पांडव गुफा, जब वापसी जाएंगे आप तो आधा किलोमीटर आगे जाके एकदम बिल्कुल रोड पे ही है। अच्छा, वो आते हुए दाएं साइड पड़ता था, आप जाते हुए बाएं साइड पड़ेगा, इधर एक दो मकान बने हुए हैं और इस साइड बिल्कुल एकदम गुफा है, रोड पे ही ऐसे उसी रोड है ना, रोड पे गुफा है, उसके अंदर चले जाना अंदर, उस सुरंग को देखना आप, दूर तक जा भी सकते हैं आप, ठीक है, ठीक। अब 2007 में इस तरीके से यहाँ निकलते हैं मूर्ति, जिसलिए 2017 इस तरीके से निकलते हैं जमीन के अंदर से, तो जो जहाँ पे निकला वहीं के वहीं, तो इस तरीके से दबाव आया यहाँ, जैसे मंदिर बना होगा ना, आप मान लो 5.5 हज़ार वर्ष पहले बना तो बाढ़ आने से जो है दबे हुए हैं मतलब, जो हमारे खेतों में इधर निकलते ना ये पूरा बना हुआ बीच वाला नहीं है, इसके अंदर लेख भी उस समय की जो भाषा रही होगी ना ब्रह्म लिपि यानी पांडव लिपि, तो इसके अंदर बहुत बड़ी पटशिला है, ये का इन्होंने लिखा भी है विभाग ने 12वीं-13वीं शताब्दी का चंद्रगुप्त समय का, कि कोई राजा आए उन्होंने भी किसी मंदिर में यहाँ पे जो है बाद में निर्माण किया है, वो लिखा हुआ साथ में। और जो यहाँ का जो पूरा हिस्ट्री का ना वो जब अभी आप जल चढ़ाने जाओगे उधर चलेंगे ना अभी, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है तो उसमें पूरा हिस्ट्री है, उसका भी आप फोटो ले लेना। अच्छा, उसको जो है वो पढ़ सकते हैं आप। आप लोग मेरे हाथ में दे दो ना, आप लोग ऐसे खड़े हो जाना सामने ना, इधर से दोनों मंदिर साथ में आ जाएगा, आप भी आ जाएंगे साथ में ना, खुला है ना, मतलब कुछ करना नहीं है ना इसमें, नहीं नहीं हाँ बस। एक बार जय जयकार लगाओ, हाथ खड़े करके ना, हर हर महादेव, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, चढ़ा दो थोड़ा सा, हाथ लगा दो सब लोग ना।
हाथ लगा लेते हैं ना, ओम त्र्यंबकम् यजा महेश गंधिन पुष्पवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम दुर्मुक्षे महा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम विकास नम शिवाय। बहुत सुंदर। वो जल थोड़ा नेत्र पे लगा लो, गले पे भी लगा लेना थोड़ा सा, हाँ नेत्र पे ना, इससे जुड़े ना तो भगवान को पूरी फूल चढ़ गए। ऊपर से बाहर आ जाता है। नहीं नहीं, आप लोग गुड़िया अलग लेगी, आप कट्ठा चढ़ाएंगे भाई साहब। आप तो अलग ले ले लोटा। लो थोड़ा मंत्र बोलो, पुष्पवर्धन शिवाय। आप पूरा आगे फ्रंट पे पूरा चढ़ाओ आगे, हाँ उसके ना, यहाँ इस तरह और चढ़ाओ, हाँ इस तरह को। अब इसके अंदर देखो, आप खुद ही देखो शिवलिंग के अंदर, हाँ इस तरीके से आ जाए ना, देख रहे आप, ये देखो इस तरीके से इसमें चढ़ा जाता है। अब आप आगे आएंगे, आगे वहाँ से आप आज मन लेंगे, आगे से गुड़िया चढ़ाएंगे अपना चढ़ा। ओम त्र्यंबकम् यजा महेश गंधिन पुष्पवर्धनम उर्वारुकमिव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तमः। अब देखो अपना जिसमें चेहरा देखो, ये देख रहे देखिए इसके चित्र, फोन में देखना, फोन में देखिए शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग के अंदर देखो, ये देख रहे वहां से आसमान लेना लीजिए। ताहले पूरो मंदिरेर इतिहासटा आपनारा सुनलेन। আমি জানি না হিন্দি কতজন বোঝেন, আশা করি আমার ভিউয়ার্সদের মধ্যে অনেক মানুষই হিন্দি বোঝেন, কারণ এটা আমার পক্ষে বর্ণনা দেওয়াটা সম্ভব নয়, যেটা উনি যতটা সুন্দরভাবে যতটা ভালোভাবে বলেছেন ততটা আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তাই আমি ওনারটাই শেয়ার করলাম, কারণ উনি যতটা ভালোভাবে বলেছেন ততটা হয়তো আমিও বলতে পারতাম না। উনি সুন্দরভাবে এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, খুব ভালো লাগলো এই মন্দিরের ইতিহাসটা শুনে। তো আমরা এই জায়গাটা মিস করে যাচ্ছিলাম, তো যাই হোক আমাদের ড্রাইভার দাদা যিনি ছিলেন তিনি আর কি আমাদের বলেছিলেন যে এই যাওয়ার পথে রাস্তায় লাখামণ্ডল নামক একটা জায়গা পড়ে, পঞ্চপাণ্ডবদের তৈরি, জায়গাটা খুবই সুন্দর আর সত্যি খুবই সুন্দর, পাহাড়ের মধ্যে এত সুন্দর একটা জায়গা, খালি দূর দূর দেখুন কি সুন্দর লাগছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, একদম পাহাড়গুলো গোল্ডেন কালারের হয়ে গেছে, কি সুন্দর লাগছে, আর মন্দিরটাও তেমনই সুন্দর। এই উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ মন্দিরই এইরকম ধরনের ডিজাইন করাই, মানে যতগুলো দেখেছি ততগুলোর কথাই, আপনারাও পরপর ভিডিওতে দেখতেই পাবেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে উত্তরাখণ্ডের বেশিরভাগ মন্দির এই যেমন সব কেদারনাথের মন্দির সেম ওরকমই আদলে আর কি তৈরি করা। এই যে এখানে গুফাটা আছে এটাও পঞ্চপাণ্ডবদের গুফা। আর চলুন আগে ভিডিওতে দেখাচ্ছি
যেটা পুরোহিত মশাই যেটা বললেন যে যে সুরঙ্গ করা আছে ওখান দিয়ে নিচে রোডে যেটা বেরোয় যে রাস্তাটা যে গুফাটা সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা দেখবেন আমি যতটুকু দেখেছি ততটুকুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে ठीक है भैया। नंबर तो कभी यहाँ का ना, जैसे हमारे यहाँ फंक्शन होता है आपको लाइव दिखा देंगे, जैसे घर पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा, व्यवस्था है ना, तो कल्चर होता है ना यहाँ का, जैसे कल्चर होता है दिवाली हमारे यहाँ, ठीक जो बारह की उसकी ठीक एक महीने बाद होती है पूरी दिवाली। अच्छा उसमें अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं ना। नंबर 8348। यही হচ্ছে সেই গুফা, প্রাচীন পাণ্ডব গুফা। তো এটাও পঞ্চপাণ্ডবরা আর কি ওই ওপর থেকে সুরঙ্গ হিসেবে করে এখান দিয়ে বেরোতো। তো এটাই করা ছিল যেটা পুরোহিত মশাই বললেন আমাদের। তো এখানে দেখুন কি সুন্দর সব ঠাকুরের মানে চারিদিকে করা আছে, আর উপরে গিয়ে ওখানে গুফা আছে, ওখানে পাহাড় থেকে জল পড়ছে, আর সুরঙ্গ যেটা সেটাও দেখা যাবে। পাহাড়ের মধ্যে ঢুকলেই মনে হয় ভয় লাগে যে কোথাও না ভেঙে পড়ে যায়, সত্যি আমার খুব ভয় লাগে। তো চলুন তাহলে আজকে এই পঞ্চপাণ্ডবদের ইতিহাস শুনে আপনাদের কেমন লাগলো এটা জানাবেন, আশা করি ভালোই লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কী কী করবেন জানেন, একটা লাইক করবেন। ওই দেখুন ওপর থেকে জল পড়ছে পাহাড় থেকে, ওখানটা শিবলিঙ্গ বলছে, ওখানটায় জল পড়ছে। তো এটাই দেখালাম যে যতটুকু জিনিস দেখেছি আপনাদের সাথে সবটাই শেয়ার করছি। তো চলুন আজকের ভিডিও এখান অবধি, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে, নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে টাটা।